भूकंप के झटकों से कांप उठे लोग चिल्लाते हुए घरों से भागे बाहर, तस्वीरों में देखे दहशत के पल। मेरठ में मंगलवार रात 10:20 पर अचानक से धरती हिलने लगी। भूकंप के तेज झटके महसूस होने के बाद दहशत के चलते लोग घरों से दौड़कर बाहर निकल गए। अगर भूकंप की वजह से सदर तहसील स्थित कॉलोनी में एक मकान का छज्जा टूटकर गिर गया, वहीं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले लोग फ्लैट छोड़कर नीचे मैदान में जमा हो गए। दहशत के इन पलों में लोग भागो भागो बाहर निकलो चिल्लाते हुए बचाव के लिए स्थान तलाशने लगे। अधिकतर लोगों ने कहा कि पिछले कई साल से इतनी तेजी से झटके कभी महसूस नहीं हुए। शहर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सबसे ज्यादा खौफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों में दिखा। सुपर किंग पाम ग्रीन पर्ल रेजिडेंसी अंसल कॉलोनी के लोग फ्लैट से निकलकर बाहर दौड़ पड़े। घरों कार्यालयों में पंखे मेज और कुर्सियां हिलने लगी। वहीं सड़क पर चल रहे वाहन भी रास्ते में रोक दिए गए। परिचितों और रिश्तेदारों में फोन कर लोगों ने एक दूसरे का हाल पूछा। लोग सड़क पर खड़े होकर यही कह रहे थे कि बहुत तेज भूकंप था, कुछ देर और रहता तो मकान गिर सकते थे। अधिवक्ता रामकुमार शर्मा ने बताया कि हनी गोल्फ ग्रीन निकट मोती प्रयाग में सत्यम टावर की 8वीं मंजिल पर उनका घर है। बेड पंखा सब हिल रहे थे। बेटी और पत्नी दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया और झटके काफी देर तक रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर यूपी शाही का कहना है कि एक बार तेज भूकंप आने के बाद कई हल्के भूकंप आते हैं। अक्सर ऐसा होता है, पहले भी हुआ है।